कार्बनिक यौगिकों का विश्लेषण एवं शुद्धिकरण के अंतर्गत हम कार्बनिक यौगिकों का भारात्मक विश्लेषण संबंधी बातों का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के आकलन की विधियां देखी थी। इसमें से जेलडॉल विधि अभी हमने पिछली क्लास में देखी थी नाइट्रोजन के आकलन की। अब हम हैलोजन्स के आकलन की विधियों का अध्ययन करेंगे। हैलोजन का आकलन करने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं उस विधि का नाम है कैरियस विधि। हैलोजन के अंतर्गत क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। हम इसको एक व्यापक रूप में सामान्य समझ बनाते हैं कि किस प्रकार कार्बनिक पदार्थ के माध्यम से हम हैलोजन का आकलन कर सकते हैं इस कैरियस विधि के द्वारा। इसमें से अगर क्लोरीन होगा तो हम उसे संबंधित परमाणु भार के आंकड़े लिखेंगे और इसी प्रकार ब्रोमीन या आयोडीन होने पर। कैरियस विधि में हम एक कैरियस ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। उस ट्यूब का चित्र इस प्रकार होता है। एक भट्टी की भट्टी है जिसके अंतर्गत उस ट्यूब को गर्म किया जाता है जिसे हम कैरियस ट्यूब कहते हैं। कैरियस ट्यूब की संरचना इस प्रकार होती है। इसके अंदर एक कार्बनिक पदार्थ को रखा जाता है। जिस कार्बनिक पदार्थ में हमें हैलोजन तत्व की गणना करनी है, उसकी मात्रा का निर्धारण करना है, उस कार्बनिक पदार्थ को लेते हैं और इसके साथ में नाइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाया जाता है। यहां इस ट्यूब को एक लोहे की जाली के द्वारा कवर कर दिया जाता है और कैरियस नली को भट्टी में हम गर्म करते हैं। इस स्थिति में कार्बनिक पदार्थ में मौजूद कार्बन सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाता है। कार्बनिक पदार्थ में उपस्थित हाइड्रोजन और सल्फर भी उसके ऑक्साइड बनके अलग हो जाते हैं। इस प्रकार इसमें उपस्थित कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर वहां से अलग हो जाते हैं, परंतु इसमें उपस्थित हैलोजन जिसे हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं वह सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके सिल्वर हैलाइड के रूप में अवक्षेपित हो जाता है। तो कैरियस नली में कार्बनिक पदार्थ को सांद्र HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल तथा सिल्वर नाइट्रेट साथ गर्म करने पर हमें सिल्वर हैलाइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। इस सिल्वर हैलाइड के अवक्षेप को इस कैरियस नली को भट्टी में से निकाल के ठंडा करके फिर सिल्वर हैलाइड के अवक्षेप को बाहर निकाल लेते हैं और उसे निकाल कर उसे छानकर सुखाकर धोकर और उसे फिल्टर पेपर के द्वारा और डेसिकेटर में रखकर उसे सुखा लेते हैं और उसका
द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। सिल्वर हैलाइड का द्रव्यमान हमें इस नली के अंदर प्राप्त सिल्वर हैलाइड के अवक्षेप को तौलने पर प्राप्त हो जाता है। इस प्रक्रिया के बाद हम गणना करते हैं, जो आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं उसके माध्यम से हम हैलाइड के प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने का की प्रक्रिया को करते हैं। तो इसे मैं मिटाता हूं अभी। गणना में हम निम्न बातों को लेते हैं। माना कार्बनिक पदार्थ जो हमने लिया था उसकी मात्रा W ग्राम है। जब ट्यूब में सिल्वर नाइट्रेट के साथ में और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया हुई तो जो सिल्वर हैलाइड का अवक्षेप प्राप्त हुआ, उस सिल्वर हैलाइड के अवक्षेप की जो द्रव्यमान है वो माना m है। बराबर m ग्राम। सिल्वर हैलाइड के साथ जो हैलोजन लगा हुआ है उसका द्रव्यमान बराबर x ग्राम। सिल्वर हैलाइड का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा बराबर 108 प्लस एक्स ग्राम। 108 सिल्वर का चांदी का परमाणु भार है और एक्स हेलोजन का परमाणु भार है। इन दोनों को जोड़ने पर सिल्वर हैलाइड का अणु भार ज्ञात किया जा सकता है। हमने यहां एक्स इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अभी हम किसी प्रॉपर हेलोजन को नहीं ले रहे हैं। हमारे लिए यहाँ एक्स का मतलब अभी क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है, इसलिए इन तीनों को सम्मिलित रूप से अभी फिलहाल हमने एक्स लिखा हुआ है। लेकिन जब हम इसको अलग अलग देखेंगे क्लोरीन के लिए तब वहाँ पे हम 35.5 उसका परमाणु भार रखेंगे। अगर हम ब्रोमीन के लिए लेंगे तो वहाँ 80 लिखेंगे और इसी प्रकार आयोडीन के लिए 127 लिखकर आगे हम गणना करेंगे। तो इस तरह से जब ये जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं तो अब हम आगे देखते हैं कि हैलोजन की मात्रा कितनी है। क्योंकि स्पष्ट है 108 धन एक्स, ये जो सिल्वर हैलाइड हमें मिला था इसके इतने ग्राम सिल्वर हैलाइड में हैलोजन की मात्रा है बराबर, हैलोजन की मात्रा कितनी थी, हैलोजन का द्रव्यमान हमें कितना प्राप्त हुआ था माना x ग्राम। तो 108 धन x सिल्वर हैलाइड में हैलोजन की मात्रा हुई x ग्राम। तो एक ग्राम सिल्वर हैलाइड में हैलोजन की मात्रा होगी x ओवर 108 प्लस x, x अपॉन 108 धन x ग्राम। ये एक ग्राम में, एक ग्राम सिल्वर हैलाइड में।
लेकिन ये जो सिल्वर हैलाइड प्राप्त हुआ है हमें, ये डब्ल्यू ग्राम कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त हुआ था, इसलिए इस सिल्वर हैलाइड को हम इस पूरे कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त सिल्वर हैलाइड के रूप में मानते हुए हम इसी मात्रा को डब्ल्यू ग्राम सिल्वर हैलाइड से प्राप्त हेलोजन की मात्रा मान सकते हैं। अभी यहां पे मिटाता हूं आगे मैं। ये ऊपर की दो लाइन, अच्छा, क्योंकि हमने पदार्थ की जो मात्रा ली थी वो m ग्राम ली थी, जब 1 ग्राम सिल्वर हैलाइड में हेलोजन की मात्रा इतनी है तो m ग्राम हेलोजन की जो m ग्राम हमने माने थे हैलाइड के, तो m ग्राम सिल्वर हैलाइड में हेलोजन की मात्रा हो जाएगी बराबर x अपॉन 108 प्लस x इंटू एम। m ग्राम सिल्वर हैलाइड में ये मात्रा w ग्राम कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त मात्रा के बराबर होगी, अतः हम मान सकते हैं कि w ग्राम कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त हैलोजन की मात्रा बराबर x अपॉन 108 प्लस x इंटू m ग्राम। w ग्राम कार्बनिक पदार्थ में प्राप्त हेलोजन की मात्रा इतनी, तो 1 ग्राम कार्बनिक पदार्थ में हेलोजन की मात्रा बराबर होगा x अपॉन 108 प्लस x इंटू m अपॉन w। ये 1 ग्राम कार्बनिक पदार्थ में हेलोजन की मात्रा हमने प्राप्त की, अगर 1 ग्राम हम पदार्थ लेते हैं तो। लेकिन हम सामान्यतः प्रतिशत में तत्वों की मात्राओं को ज्ञात करते हैं, भारात्मक मान निकालने के लिए हम प्रतिशत आकलन करते हैं। तो प्रतिशत आकलन करने का मतलब हो गया कि 100 में कितना, यदि w ग्राम में इतना तो 1 ग्राम में इतना तो 100 में कितना। तो हम एक स्टेप हमें और आगे हम जोड़ सकते हैं कि 100 ग्राम में कितना, हम इसको आगे यहाँ पे मिटाते हैं। अतः 100 ग्राम कार्बनिक पदार्थ में हैलोजन की मात्रा बराबर x अपॉन 108 प्लस x, x ओवर 108 प्लस x इंटू m अपॉन w इंटू 100।
इस प्रकार ये हैलोजन की प्रतिशत मात्रा, इसे हम x की प्रतिशत मात्रा भी लिख सकते हैं। तो हैलोजन की प्रतिशत मात्रा बराबर हुई x ओवर 108 प्लस x इंटू एम अपॉन w इंटू 100 ग्राम, जहां पर m प्राप्त सिल्वर हैलाइट का द्रव्यमान है, w जो कार्बनिक पदार्थ हमने कैरियस नली में अभिक्रिया के लिए सैंपल के रूप में लिया था, जिसमें कि हमको हैलोजन की मात्राएं ज्ञात करनी थी, ये वो W की मात्रा है और ये 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये हमको ये प्राप्त हो जाएगा। इसे शब्दों में हम इस प्रकार लिख सकते हैं, हैलोजन की प्रतिशत मात्रा बराबर x हैलाइड है, हैलोजन है, हैलोजन का द्रव्यमान बटे सिल्वर हैलाइड का द्रव्यमान गुणित सिल्वर गुणित हैलोजन का सिल्वर हैलाइड का भार, ये आणविक द्रव्यमान है इसका, आणविक द्रव्यमान एक मिनट, गुणित सिल्वर हैलाइट का भार बटे कार्बनिक पदार्थ का भार गुणित 100। इस सूत्र की सहायता से हम हैलोजन की गणना कर सकते हैं। चलिए हम अब पृथक पृथक रूप से इसे सिल्वर हैलाइड के लिए, सिल्वर क्लोराइड के लिए, फिर सिल्वर ब्रोमाइड के लिए और उसके बाद सिल्वर आयोडाइड के लिए इसको गणना करके देखते हैं। यदि हम सिल्वर क्लोराइड लें तो ऐसी स्थिति में हैलोजन का जो द्रव्यमान हमने x लिया था वो हो जाएगा क्लोरीन के लिए x बराबर 35.5 ग्राम और सिल्वर हैलाइड के लिए अणु भार हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड के लिए 108 प्लस एक्स यानी 108 धन 35.5 अर्थात 143.5। इस स्थिति में हम मान रखें यदि सूत्र में तो हमें मिलता है क्लोरीन का प्रतिशत मात्रा बराबर
35.5 अपॉन 143.5 गुणित सिल्वर क्लोराइड का द्रव्यमान अपॉन कार्बनिक पदार्थ का द्रव्यमान गुणित 100। इस फिगर को यहां से मिटा रहा हूं मैं। तो ये स्थिति जहां पे हमने x अपॉन 108 धन x लिखा था, वहां पे हम 35.5 धन 143.5 लिखेंगे। बाकी सब ऐसे ही रहेगा कि यहाँ सिल्वर क्लोराइड का द्रव्यमान जो हम जो अवक्षेप को सुखाकर तौल लिए थे और जो द्रव्यमान प्राप्त हुआ था वो ये है, और शुरू में जो कार्बनिक पदार्थ का सैंपल हमने लिया था उसका द्रव्यमान भी हमने शुरू में तौला था वो ये है, और फिर उसमें 100 से मल्टीप्लाई करके हम प्रतिशत मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके बाद हम ब्रोमाइड और आयोडाइड को देखते हैं। इस सूत्र की सहायता से हमने क्लोरीन का आकलन किया, क्लोरीन की प्रतिशत मात्रा का आकलन किया। लेकिन अगर हमारे कार्बनिक यौगिक में ब्रोमीन तत्व मौजूद है तो उस स्थिति में यही चीज, क्योंकि हैलोजन में तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तीनों ही तत्व आते हैं, तो फ्लोरीन भी आता है, तो लेकिन हम यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के तत्वों का आकलन देख रहे हैं, तो क्लोरीन का हो गया ये। अब ब्रोमीन के लिए ये स्थिति कैसी होगी, हम इसे मिटाते हैं। ब्रोमीन Br परमाणु द्रव्यमान है 53। सॉरी 80। तो सिल्वर ब्रोमाइड का द्रव्यमान बराबर सिल्वर का 108 और प्लस 80 अर्थात 188। तो सिल्वर ब्रोमाइड का आणविक द्रव्यमान हमें प्राप्त होगा 188। अब यहां पर इस सूत्र में जो हमने क्लोरीन के लिए प्राप्त किया था इसे हम ब्रोमीन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ब्रोमीन की प्रतिशत मात्रा बराबर ब्रोमीन का परमाणु भार 80 और सिल्वर ब्रोमाइड का भार आणविक द्रव्यमान हो जाएगा 188 इंटू सिल्वर क्लोराइड के स्थान पे हमने लिया हुआ है सिल्वर ब्रोमाइड, तो ये सिल्वर क्लोराइड के स्थान पे हम लेंगे सिल्वर ब्रोमाइड का द्रव्यमान जो हम तौलने के बाद प्राप्त करते हैं। ये जो है तौलने के बाद प्राप्त नहीं है, ये स्थिर संख्या है, ये इनका आणविक द्रव्यमान है। और ये जो है सिल्वर ब्रोमाइड का जो अवक्षेप मिलेगा वो कितने ग्राम, वो 1 ग्राम भी हो सकता है, आधा ग्राम भी हो सकता है, 2 ग्राम, 4 ग्राम भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि हमें कितना अवक्षेप प्राप्त हुआ है। और कार्बनिक पदार्थ का द्रव्यमान एक जो हमने शुरू में सैंपल लिया है वो सैंपल हम 1 ग्राम भी ले सकते हैं, आधा ग्राम भी ले सकते हैं, 3 ग्राम भी ले सकते हैं। तो ये जो मात्राएं हैं ये मात्राएं डिपेंड करती हैं कि हम इसे कितना ले रहे हैं और उस आधार पर अवक्षेप कितना प्राप्त हो रहा है, परंतु ये मात्रा जो है वो स्थिर है, जो सिल्वर और ब्रोमीन के लिए, सिल्वर के लिए ब्रोमीन के लिए वो 80 है और सिल्वर ब्रोमाइड के लिए 188। हम इसमें सूत्र में मान रखकर उसकी गणना कर सकते हैं, जैसा कि हम इसके बाद एक न्यूमेरिकल संख्यात्मक प्रश्न को लेते समय देखेंगे भी। अब हम आयोडीन के लिए
इसी सूत्र को कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो हम देखते हैं। आयोडीन का परमाणु द्रव्यमान होता है 127 और सिल्वर आयोडाइड का द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान हमें प्राप्त होगा 108 + 127 अर्थात 8 × 7 = 15 = 235। अब इसी फॉर्मूले में हम आयोडीन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। आयोडीन की प्रतिशत मात्रा बराबर 80 के स्थान पे हम क्या लिखेंगे 127 जो आयोडीन का परमाणु भार है और 188 के स्थान पे हम लिखेंगे 235। इसके बाद ठीक वैसे ही क्योंकि उस समय अवक्षेप के रूप में सिल्वर आयोडाइड प्राप्त होगा अतः सिल्वर आयोडाइड का द्रव्यमान और कार्बनिक पदार्थ का द्रव्यमान वो डिपेंड करता है कि हमने कितने ग्राम वो पदार्थ लिया हुआ था और इस तरीके से हम इन फॉर्मूले की सहायता से आयोडीन की मात्रा का आकलन कर सकते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ में दिए गए हैलोजन की मात्रा का आकलन हम इन फॉर्मूले की सहायता से कर सकते हैं। आइए अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, एक संख्यात्मक प्रश्न देखते हैं कि हम इस विधि के द्वारा कैसे उसका हम आकलन करते हैं। एक सवाल मैं लिख रहा हूं आपके सामने, इसे मिटा रहा हूं। एक एग्जाम्पल है, क्लोरीन युक्त कार्बनिक पदार्थ में कार्बनिक पदार्थ के 0.2 ग्राम से केरियस विधि द्वारा (0.2870 ग्राम) सिल्वर क्लोराइड प्राप्त हुआ। यौगिक में क्लोरीन की प्रतिशत 100 आप देख रहे हैं जैसा कि प्रश्न में क्लोरीन युक्त कार्बनिक पदार्थ हम ले रहे हैं, मतलब इसमें से कौन सा हैलोजन है, क्लोरीन। अब उस क्लोरीन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है। किसी भी न्यूमेरिकल सवाल को बनाते समय आप चाहे इस विषय का हो या कोई और भी टॉपिक आप लें, आप ध्यान में रखें कि उसमें जो आवश्यक जानकारियां दी हुई हैं प्रश्न में सबसे पहले उन्हें नोट कर लेना चाहिए।
और जो सूत्र या जो जिस तरीके से हमें उत्तर तक पहुंचना है उसमें उसको रख के हम अपने मान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये तब मालूम चलेगा जब हमें कि जो जो मात्राएं दी गई हैं, जो जो जानकारियां दी गई हैं, हम उन्हें पहले नोट कर लें। इसका हल हम बनाते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। जो हिस्सा बचे रहेगा तो हम ऊपर मिटा के इसे देख लेंगे। इसमें कौन कौन सी जानकारियां दी गई हैं, हम देखते हैं। जो हमने कार्बनिक पदार्थ लिया हुआ है वो 0.002 ग्राम लिया हुआ है, 0.02 ग्राम। तो ये पदार्थ की मात्रा हो गई W। हमें याद होगा जब हम इसको ले रहे थे तब कार्बनिक पदार्थ की मात्रा हम लेते थे। तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा W बराबर 0.02 ग्राम। तो ये एक जानकारी हमको प्राप्त हो गई। फिर आगे क्या दिया हुआ है, केरियस विधि द्वारा 0.02870 ग्राम सिल्वर क्लोराइड प्राप्त सिल्वर क्लोराइड का द्रव्यमान, जिसे हमने M के रूप में लिखा था, जो अवक्षेप के रूप में मिलता है, जिसको हम तौल लेते हैं बाद में, ये मात्रा प्राप्त हुई हमें 0.02870 ग्राम। क्योंकि वो पदार्थ क्लोरीन युक्त है, इसका मतलब हमें क्लोरीन के परमाणु भार की जरूरत पड़ेगी। इसे मैं मिटा रहा हूं इस प्रश्न को। प्राप्त सिल्वर क्लोराइड का द्रव्यमान M बराबर 0.02870 ग्राम प्राप्त हुआ। क्लोरीन का भार, परमाणु भार बराबर 35.5, और सिल्वर क्लोराइड का जो हमने सूत्र में 108 ×10⁻⁶ के रूप में देखा था जिसे, वो हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड का भार बराबर 108 ×35.5 अर्थात 143.5। अब हमारे पास इतनी जानकारियां आ गई तो हम क्लोरीन का प्रतिशत मात्रा निकाल सकते हैं। क्लोरीन की प्रतिशत मात्रा बराबर, हम सूत्र को ध्यान में, पहले सूत्र लिख लेते हैं हम, इसे मैं मिटा रहा हूं। इस जानकारी को हम वहां पे रखते समय फिर देख लेंगे। पैंतीस दशमलव पांच ओवर 143.5 143.5 गुणित सिल्वर क्लोराइड का भार बटे परमाणु भार है बटे कार्बनिक पदार्थ का भार गुणित 100। तो अब हम यहां पे देखते हैं, इस वैल्यू को रखते हैं तो हमें मिलता है 35.5 अपॉन 143.5 गुणित सिल्वर क्लोराइड का भार हमें प्राप्त हुआ था 0.02870, जो हमने नोट किया था इससे पहले, जो M का मान था। था जो केरियस विधि द्वारा जो कार्बनिक पदार्थ का सैंपल हमने लिया रहा वो 0.02 ग्राम था, जो W की मात्रा थी, और गुणित 100। इस फिगर का हम और आगे हल करें, इन्हें हम गुणा करें, फिर इनसे भाग दें तो हम
हमें जो मात्रा उसकी प्राप्त होगी वो है 35.5%। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि उस दिए गए पदार्थ में जो हमने 0.2 ग्राम लिया हुआ था कार्बनिक पदार्थ और जिससे 0.2870 ग्राम सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त हुआ था, उसमें सिर्फ क्लोरीन की मात्रा, क्योंकि ये तो सिल्वर हैलाइड था, इसमें सिर्फ क्लोरीन की मात्रा 35.5% होती है पाई गई। तो इस तरह के प्रश्नों का हम न्यूमेरिकल के माध्यम से हल करके प्राप्त कर सकते हैं उसकी मात्रा, प्रतिशत मात्रा किसी दिए गए पदार्थ में कितनी है। तो अभी हम लोग कैरियस विधि में हैलोजन की मात्रा, हैलोजन के आकलन करने की विधि को देख रहे थे, जिसमें हमने उसका चित्र देखा, प्रक्रिया को देखा और फिर उसके न्यूमेरिकल सवाल को देखे। हम नेक्स्ट स्टेप में सल्फर के आकलन के प्रक्रियाओं को देखेंगे। धन्यवाद।